शिरकत कर रहे हैं।
नुरंग जी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में शिक्षा और स्पोर्ट्स दोनों का मिला करके बजट होता है। महाराष्ट्र का जितना बजट है उससे महज 75 करोड़ कम बजट हमारा शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर के। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, हमारी आबादी 1.25 करोड़। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूं कि देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा खर्च कर रहा है। और मुझे इस बात को यहाँ कहना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी हिस्से से बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, कुछ ऐसे स्टेडियम जो शायद देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आभार व्यक्त करना ही चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने PMDP में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर राज्य की स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में भी मैं गया था और मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स आवाम को बदल सकता है, लोगों को एकजुट कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स जीवन में आशा पैदा करता है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं में टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए, उनके चरित्र निर्माण में मदद करने के लिए एक बड़ी पहल की है। और मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड नौजवान अपनी ऊर्जा, क्रिएटिविटी तथा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जो समय लगा रहे हैं, विश्वास और विकास के साथ साथ पूरे देश में भी नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज नौजवानों के सामने 4 मुख्य लक्ष्य: पहला, विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान देना, अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इनकरेज करना, अपने कर्तव्यों से जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाना तथा सभी वर्गों में सद्भाव कायम करना। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, मिशन यूथ एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत अवसर दिया जा रहा है। और मैं मानता हूँ हमारे नौजवान ही नए जम्मू कश्मीर के निर्माता होंगे और आज उनके सक्षम होने से ही भविष्य की चुनौतियों का सामना और मुकाबला किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों के लिए अनेक प्लेटफार्म बनाए जिस सुनियोजित षड्यंत्र की वजह से नशे के दलदल में फंस गए। एक स्पोर्ट्स पर्सन से बेहतर कोई और नहीं जानता कि नशा सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप नहीं है बल्कि उसकी वजह से आवाम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी मुहिम चला रही और जहां तक संभव हो रहा है भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी कर रही। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता, नशे की आदत छोड़ दीजिए, अपनी ऊर्जा ऐसी गतिविधियों में लगाइए जिससे आपका, आपके परिवार का, समाज का तथा जम्मू कश्मीर का भला हो। मित्रों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आतंकवाद से मुकाबला और आवाम के हितों के लिए लगातार इस तरह के प्रयास करते रहना कोई आसान काम नहीं है। और इस महान यज्ञ में जिस धैर्य, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का जम्मू कश्मीर पुलिस ने उदाहरण पूरे देश के सामने रखा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। संस्कृत का एक श्लोक है, राष्ट्रे जाकर्म वयम। मित्रों, हमारी संस्कृति की ये परंपरा रही है कि हम अपने लिए संपत्ति नहीं मांगते बल्कि जागृति मांगते ताकि राष्ट्र की सेवा कर सके, उसकी शांति और स्थिरता को बरकरार रख सके। यही भावना जम्मू कश्मीर पुलिस की रही है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद जम्मू कश्मीर के सभी साथियों ने मिलकर के देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। जिस त्याग और बलिदान से आपने काम किया है और जिस तरह से जागरूक रहकर आंतरिक सुरक्षा को कायम करने में मदद की है उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद देता हूँ। और इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ कि देश की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हम शांति चाहते, भाईचारा चाहते, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो शामिल होगा उसके खिलाफ या जम्मू कश्मीर के शांति में कोई अड़चन पैदा करेगा
तो उसमें कड़ी से कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम कदापि संकोच नहीं करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन जवानों ने पुलिस के और फोर्सेस के जिन हमारे शहीद भाइयों बहनों ने कुर्बानी दी, 15 अगस्त को मैंने यहाँ अपने संबोधन में एक बात कही थी, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो विद्यालय हैं, जो सड़कें हैं, इन लोगों के नाम से रखने का काम हम करेंगे। उस समिति ने फैसला कर लिया है और 30 सितंबर से वो काम शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने अपने खून का एक एक कतरा जम्मू कश्मीर को बचाने में, देश को बचाने में दिया है, उनको की पुण्य स्मृति को प्रणाम करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी, आपके परिवार, आपके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा के सम्मान के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं यहाँ मौजूद नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिका के साइकिलिस्ट स्टीव लार्सन का नाम सुना होगा। उनका कहना था, यू कांट गेट गुड बाय स्टेइंग होम, इफ यू वांट टू गेट फास्ट यू हैव टू गो वेयर द फास्ट गाइज आर। ये नौजवानों के लिए बड़ा संदेश है। मैं चाहूँ जितने केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उसमें लगभग आधे श्रीनगर शहर में आ रहे हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के अधिकांश लोग मौजूद हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो, इसकी कोशिश की जा रही है, आप भी इसमें सहयोग करिए। अगर हमने एसओपी का पालन नहीं किया तो भगवान न करे फिर वो स्थिति आवे कि जो सब कुछ सामान्य हो गया है उसमें कोई बदलाव करना पड़े। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद भी एसओपी का पालन करिए और समाज में बाकी लोगों को भी, अपने पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, इनको भी इस बात के लिए आग्रह करिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी सेवा है मानवता की, ये केवल आपकी सेवा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से आपसे इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ। अंत में कल बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं, 20,000 रुपए के नाम से नवाजे जाएंगे। मेहमान खुसूसी के मुबारक हाथ मोहम्मद आदिल तेली मागाम 6 रुपए के नाम से नवाजे जाएंगे। चेस्ट नंबर 16 कानियामा बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं, सेकंड कैटेगरी है सीनियर मैन, इनसे गुजारिश है कि ये ग्रुप फोटो ग्राफ के लिए यहाँ पर प्रोमो का मौजूद रहे। 15 इयर्स साइकिलिस्ट, इसमें 5वीं पोजीशन। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोशो खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ करा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, बच्चियां सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेल कूद की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन की राह पर जो इस तरह के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले कार्यक्रम में, अब कोविड को डाउन हो रहा है, उसमें और बच्चे और बाकी लोग हिस्सा लेंगे। पिछले साल पुलिस ने जो एक्टिविटीज़ सपोर्टिंग के फील्ड में ऑर्गेनाइज करी थी, लगभग 70,000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था, 70,000 नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया था और कोई ऐसी सपोर्टिंग इवेंट नहीं है जो ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। इस साल का कार्यक्रम भी हमारा तय है, इसमें इस साल ख़ासतौर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके थीम के तहत भी अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी के साथ एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रम जिलों में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अभी बड़ी सतह के ऊपर जो आर्मड पुलिस जो मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है
उसके लिए और सारे कार्यक्रम अभी काफ़ी हमारे जो हैं लाइंड अप हैं। मैं अपनी टीम जो लेड बाई एडीजी आर्म जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारी तादाद में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बच्चियों को, सबको हिस्सा लेने का मौका दिया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनाम जीतने वाले लोग और पार्टिसिपेट करने वाले को भी सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ सर्विस। फिरोज है, इस इवेंट के बारे में क्या बताऊँ, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इवेंट देख के। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने सारे बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो मैं कहना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे आए यहाँ पे, इसकी वजह से हेल्प हमें मिल रहा है ड्रग अब्यूज़ में भी। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे थे। अगर हमारी गवर्नमेंट और जेके पुलिस ऐसे ऐसे इवेंट्स के लिए इनिशिएटिव उठाती है, ऐसे ऐसे इवेंट्स आगे फ्यूचर में भी करती है, तो आई होप कि ड्रग्स जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ड्रग्स लेना काफ़ी कम हो जाएगा। सो ड्रग अब्यूज़ में हमें इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल भी COVID-19 था तो रेस्ट्रिक्शंस थे, तब भी ये इवेंट हुआ था लेकिन इतने सारे बच्चे नहीं थे। एज यू कैन सी आज काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, आज डबल नहीं ट्रिपल आया है उस अमाउंट का। तो आई कैन से कि आपने बहुत अच्छा किया एंड आई होप जेके पुलिस ऐसे इवेंट्स बार बार लाए। एंड इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो यहाँ पे, किसी ने जीता किसी ने हारा, इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। ये बस इसलिए है कि ये बस ये मायने रखता है कि आपने अपना 100% दिया, चाहे आपने जीता चाहे आप हारा, आप रनर अप आए, बट आपने अगर अपना 100% दिया तो दैट इज़ ऑल, आप असली चैंपियन हो। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था, जे&K पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे यही लगभग 6-7 महीने हो गए साइकिल चलाते हुए, ये साइकिल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जे&K पुलिस ने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की थी इवेंट की, आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इसमें ये जो यहाँ पे हमें यूथ है जो यहाँ पे ड्रग्स पे जा रहे हैं वो इससे वापस आ जाएंगे। सभी पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आने का मौका दीजिए उनको। अगर आप साइकिल नहीं ला पाओगे, वॉक पे ले जाइए बच्चों को, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लेकिन ड्रग्स के साथ मत कीजिए। से नो ड्रग्स।